टारगेट ऑन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं नवीन आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग देख रहे हैं गाइस एसएससी का एमटीएस टारगेट बैच अर्जुन बैच जिसको हम लोग निरंतर रूप से कंटिन्यू किए हुए हैं। 60 डेज का ये पूरा फॉर्मेट जिसमें 30 दिन हम लोग पूरा सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है, और 30 डेज में हम लोग इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, है ना। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए निशुल्क बैच है, इसका आप लाभ उठाइए। अभी इतिहास के जितने खंड आपने देखे उम्मीद करता हूँ सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही क्रमवार हम लोग चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट कि फर्स्ट डे के फर्स्ट क्लास से जरूर उसको देखने का प्रयास करें, और बहुत ही कम समय में आप देखेंगे मैक्सिमम चीज़ें आप लोग समझ पाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा के अनुरूप हैं, है ना। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है कि आपके नए पैटर्न के अनुसार जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें आपको प्रश्न देखने को मिले, ठीक है। तो आइए आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सूफी और भक्ति आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कम प्रश्नों की संख्या है यहाँ से, लेकिन है, और जो भी प्रश्न बनेंगे आपको इस कंटेंट से बाहर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना है। हेडलाइन दीजिएगा सूफी एवं भक्ति आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके परीक्षा के लिए, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, ठीक है जी, सूफी एवं भक्ति आंदोलन। अब इनके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि आपने देखा, आपने प्राचीन भारत के इतिहास में समझ पाए थे आप लोग कि जब एक समय ऐसा आया कि जब उत्तर वैदिक काल के बाद लोग अशांति की ओर आगे बढ़ गए, अशांति फैल गई सब जगह, लोहा भी सामने आ गया, लोह युग भी सामने आ गया, तो लोगों को शांति की आवश्यकता थी, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म सामने निकल के आया। इसी तरीके से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का वो टाइम जब निकला उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं अशांति का दौर, आप देखेंगे मुगल वंश भी सामने चल रहा है, विजयनगर साम्राज्य, और आप देखेंगे बहमनी साम्राज्य भी सामने है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अशांति का दौर। और उसी क्रम में सामने आता है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन जो कि शांति की बात करता है। तो जरा इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम सूफी आंदोलन के बारे में बात करते हैं, यानी जो हेडलाइन है आप लोगों का वो है सूफी आंदोलन। बहुत ही क्रमवार, बहुत ही तसल्ली से एक बार समझें इसको, सूफी आंदोलन, ठीक है जी। ऐसा बताया गया है कि जो सूफी आंदोलन है, जो सूफी शब्द है, ये जो सूफी शब्द देख पा रहे हैं आप, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे बना के कि सूफी शब्द की उत्पत्ति एक प्रकार के वस्त्र से हुई है, एक प्रकार के वस्त्र से हुई है, ठीक है। सूफी शब्द की उत्पत्ति एक प्रकार के वस्त्र से हुई है। यहाँ पे ध्यान रखें, आपने देखा होगा जैसे हिंदू धर्म में आप बाबा देखते हैं, है ना, आप बोलते हैं बाबा आ गए। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में जो बाबा हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी संप्रदाय से बिलोंग करते होंगे, किसी ना किसी सूफी आंदोलन से बिलोंग करते होंगे। तो आइए आज उनके बारे में समझें। सबसे पहले समझ पाएं कि जो जितने भी सूफी संत हैं वो जहाँ पे भी निवास करते हैं, जो भी उनका आश्रम है, उसको किस नाम से जानते हैं, वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे कि सूफी संतों का निवास स्थान या सूफी संतों का जो आश्रम है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, खानकाह। नाम बिल्कुल स्पष्ट रहे, खानकाह प्रश्न बनेगा, बिल्कुल मिलेगा देखने को आपको, है ना। तो सूफी संतों का निवास स्थान या आश्रम किस नाम से जाना जाता है, खानकाह के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखें। और सूफी संतों के जो भी शिष्य हैं, जो इनके शिष्य बनते हैं, उनको बोलते हैं मुरीद। क्या बोलते हैं? सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता है, मुरीद। तो यानी जो सूफी संत है, गुरु हो गया, और जो उसका मुरीद, जो उसका शिष्य है, ये दोनों जब मिल जाते हैं, फिर उसके बाद उनका शिष्य बना, तो ऐसे करते करते संप्रदाय बन गया, और इस संप्रदाय को सिलसिले के नाम से जाना जाता है,
लेकिन ये सूफी संत यानी जो सूफी आंदोलन है ये इस बारे पे बल देता, इस बात पे बल देता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें संगीत का सहारा लेना चाहिए। समा, संगीत को समा भी कहा गया है। आपने देखा होगा कव्वाली लोग गाते हैं, सूफियाने गीत गाते हैं, वो कहीं ना कहीं यही है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप सूफी संगीत को गाइए, सूफियाना संगीत यानी संगीत यानी समा का सहारा लीजिए। जैसे हिंदू धर्म में आप देखते हैं महिलाएं कीर्तन भजन करती हैं, है ना, उसी तरीके से इस धर्म में मुस्लिम धर्म के अंतर्गत सूफी लोग जो बात कर रहे हैं वो है कि संगीत का सहारा लीजिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए। क्लियर है यहां तक की पॉइंट? इसको नोट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये संगीत या समा का सहारा लेते हैं, समा का सहारा लेते हैं, समा का सहारा लेते हैं, संगीत या समा का सहारा लेते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ठीक है जी, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस पे बल दे रहे हैं? संगीत या समा पे। कव्वाली गाइए, सूफियाना गीत गाइए, इस तरीके से इसके ऊपर बात करते हैं। और जो आपने देखा सूफी संत यानी वो गुरु हैं और जो शिष्य मुरीद, उनके मिल जाने से ये जब क्रम आगे बढ़ता रहता है तो संप्रदाय या सिलसिला शुरू हो जाता है, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें इसमें, गुरु और शिष्यों से मिलकर सिलसिला या संप्रदाय स्थापित होता है, संप्रदाय स्थापित होता है। ठीक है जी, गुरु और शिष्यों से मिलकर सिलसिला या संप्रदाय स्थापित होता है। इस तरीके से टोटल मिलाकर चार संप्रदाय देखने को मिले। अब वो कौन कौन से थे उनके ऊपर बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग, हेडलाइन दीजिए सूफी आंदोलन के अंतर्गत चार सिलसिले, हेडलाइन दीजिएगा सूफी आंदोलन के अंतर्गत, सूफी आंदोलन के अंतर्गत, सूफी आंदोलन के अंतर्गत चार सिलसिले कौन कौन से हैं, इन्हीं के ऊपर हम लोगों को बात करनी है। सूफी आंदोलन के अंतर्गत चार सिलसिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सिलसिले का संबंध सूफी आंदोलन से नहीं है, एक बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ सकता है। सबसे पहला जो सिलसिला संप्रदाय देखने को मिलता है वो है चिश्ती सिलसिला। क्या है? पहले नंबर पे मेंशन करेंगे चिश्ती सिलसिला। दूसरा सोहरावर्दी सिलसिला, है ना, सोहरावर्दी सिलसिला। अगला हम लोग देखेंगे कादरी सिलसिला और फिर नक्शबंदी सिलसिला, दो सिलसिले और, है ना। तो अगला मेंशन करें इसमें कादरी सिलसिला और चौथा अंतिम नक्शबंदी सिलसिला। क्लियर यहां तक के पॉइंट? तो चार सिलसिले देखने को मिलते हैं कि सूफी आंदोलन के अंतर्गत किस सिलसिले का संबंध नहीं है, विकल्प के अनुसार हम लोग उसको देख लेंगे। क्लियर है? अब जरा यहां पे समझ पाए कि इसके संस्थापक कौन है। मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, हालांकि सारे आपने देखा इस्लाम धर्म के उदय के संदर्भ में, अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अरब में इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है, अरब के बाद ईरान, इराक, तुर्क, है ना, अफगानिस्तान, ये सारे रीजन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब मुस्लिम धर्म से संबंधित है, तो वहाँ पे सिलसिले शुरू हो गए। लेकिन भारत में किसने स्थापित किया, किसको लोकप्रियता मिली, यहाँ से प्रश्न मिलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जरूर ध्यान देना है जितने पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं।
तो यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे कि चिश्ती संप्रदाय को शुरू करने वाला भारत में संस्थापक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। थोड़ा सा इसको उधर करते हैं, यानी भारत में इसके संस्थापक कौन है, मैं यहाँ पे संस्थापक का नाम लिख रहा हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिले को शुरू किया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। याद आ रहा है हमने पढ़ा था शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती पढ़ेंगे आगे। तो जो अकबर है वो उनका मुरीद है, उनका शिष्य है, और उन्हीं से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखता है, शेख सलीम चिश्ती। तो कौन से संप्रदाय से हैं, चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, अगला है आपके सामने सुहरावर्दी सिलसिला, और इसके जो संस्थापक हैं वो है शेख बहाउद्दीन जकारिया। नाम याद रखना है, क्या नाम है, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये सुहरावर्दी सिलसिले के ये कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रवर्तक देखने को मिलते हैं। अगला है कादरी सिलसिला, और इसके हैं अब्दुल कादिर मिलानी, है ना, अब्दुल कादिर मिलानी इस कादरी सिलसिले के संस्थापक। मेंशन करेंगे अब्दुल कादिर मिलानी। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला, देखिए नक्शबंदी सिलसिले की बात करें तो ख्वाजा बुकी बिल्ला, ये यहाँ पे इसके संस्थापक देखने को मिलते हैं, ख्वाजा आपने सुना होगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समाजा, है ना, वो सूफियाना गीत है। तो ख्वाजा, ये अल्लाह की बात कर रहे हैं, ख्वाजा बुकी बिल्ला। तो ये चार सिलसिले जिसके नाम आपको ध्यान रखने हैं, कौन संस्थापक है ये आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इसमें नोट डालकर एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग कि भारत में, नोट डालकर एक पॉइंट लिखें, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप जब आपको इसका PDF मिले तो आपके पास सारा ये मामला रहे, है ना। तो ये नोट डाल के एक पॉइंट, कि भारत में चिश्ती सिलसिला, अभी सिलसिला क्या है अब आपको क्लियर हो गया होगा ना, भारत में चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला की जड़ें मजबूत थी, लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब में सर्वाधिक लोकप्रिय अगर हम लोग बात करें तो वो है चिश्ती सिलसिला, है ना, चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर इनकी दरगाह, सबसे महत्वपूर्ण रहा चिश्ती सिलसिला, लेकिन बाकी के बारे में जानना है जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हेडलाइन दीजिएगा चिश्ती सिलसिला, इसके बारे में देखते हैं आपको क्या क्या पता होना चाहिए। हेडलाइन दे चिश्ती सिलसिला, भाई देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक भारत में, है ना, हेडलाइन देंगे चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला। संस्थापक आपको पता लग गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। संस्थापक कौन है तो आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक, यहां पे समझे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये भारत कब आ रहे हैं, हमने पढ़ा था तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य, तो गौरी के साथ ये भारत आते हैं पृथ्वीराज चौहान के समय। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भारत कब आ रहे हैं, इनका भारत आगमन कब हो रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये भारत में
मोहम्मद गौरी के साथ, ये भारत में मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के समय, पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये भारत आ रहे हैं तो कौन है इस समय शासक? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का पहला दूसरा युद्ध पढ़े आप लोग। और मोहम्मद गौरी, गौर वंश का शासक मोहम्मद गौरी है ना, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इनके साथ ये भारत आ रहे हैं, ठीक है जी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद जरा समझ पाए कि भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय जो सिलसिला है वो यही है। अगला पॉइंट मेंशन करेंगे कि भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला, भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती सिलसिला, जैसे मैंने आपको बताया चिश्ती सिलसिला, भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती सिलसिला, क्लियर है तक? अब इनका निवास स्थान, इनका केंद्र क्या था? इनका केंद्र था अजमेर, वहीं पे इनकी मृत्यु होती, वहीं पे इनकी दरगाह है। तो अजमेर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, याद रखना है, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसमें बना के। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे कि 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, या पहले से लिखें इनका निवास स्थान, इनका निवास स्थान या इनका केंद्र कौन सा रहा? अजमेर, और यहीं पर इनकी दरगाह है। ये भी लोकप्रिय बनाने का प्रयास रहा इनका, पूरा लोकप्रिय हुआ भी चिश्ती सिलसिला, लेकिन 1236 में इनका देहांत हो गया। 1236 में इनकी मृत्यु हो गई, 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में। और अब इनके शिष्य जो होते हैं वो इस संप्रदाय को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? उनके नाम आपको पता हो, जैसे मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे ही अपने नोट्स में मेंशन कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, हेडलाइन दीजिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य। इसी क्रम में बनाना है जैसे मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं, ऐसे ही बनाएंगे आप लोग, है ना। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य, सबसे पहले शिष्य की अगर बात करें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के, तो जिनका उल्लेख मिलता है वो है ख्वाजा बख्तियार काकी, है ना, कई नाम सुने इनका। इनका जो शिष्य बनता है वो है ख्वाजा बख्तियार काकी। ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं, क्लियर है। इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया वो दिल्ली बनाया, और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं के नाम पे बनाया। तो केंद्र कौन सा है इनका? इनका जो केंद्र है वो है दिल्ली, ठीक है जी। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं के नाम पर बनवाया। इनके संदर्भ में दो पॉइंट, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी, इनका केंद्र दिल्ली, और इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार बनवाया जा रहा है। और इनके शिष्य हैं बाबा फरीद, ध्यान रखें, इनके शिष्य हैं बाबा फरीद। दूसरा नंबर, इनके जो शिष्य आए उनका नाम था बाबा फरीद,
बाबा फरीद, ख्वाजा बख्तियार काकी और इनके शिष्य हैं बाबा फरीद। ये इनके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा फरीद इनकी बात करें तो इनका केंद्र जो रहा वो था पंजाब। केंद्र है पंजाब, है ना, यहाँ पे ध्यान रखें। चिश्ती संप्रदाय को भारत में लोकप्रिय बनाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की देखने को मिलती है, बाबा फरीद की। ऐसा बताते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णित हैं, जो कि पंजाब, जो कि सिख धर्म का जो कि धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इनकी रचनाएं वर्णित हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहाँ पे मेंशन करें कि बाबा फरीद केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र है इनका, जैसे इनका दिल्ली है, इनका केंद्र है पंजाब, इनका केंद्र है पंजाब। और भारत में चिश्ती संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया, चिश्ती संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने में इनकी भूमिका रही, सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने में इनकी भूमिका रही। सर्वाधिक लोकप्रिय कौन बना रहा है भारत में? तो बाबा फरीद। और इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं, लिखेंगे इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब या सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई हैं, उसमें मिलती हैं, तो बाबा फरीद। और बाबा फरीद के बाद अगले शिष्य जो देखने को मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निजामुद्दीन औलिया। नाम सुने हैं? हाँ जी। तो दो शिष्य हमने देखे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के, ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद। और उसके बाद तीसरा नंबर इनके शिष्य जो हैं, आगे लिख रहे हैं, पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए हैं? हाँ जी। तीसरा लिखिए निजामुद्दीन औलिया, ये बाबा फरीद के शिष्य हैं। क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया। इनका केंद्र बिंदु दिल्ली, और इनकी दरगाह भी कहीं ना कहीं दिल्ली में देखने को मिलती है, और इन्हीं के नाम से हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली में ही है। हमने पढ़ेंगे आगे चल के, पढ़े हैं शायद हुमायूं टॉम्ब, तो आपको ध्यान रखना है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और उसी दिल्ली हुमायूं के मकबरे के ठीक सामने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। और इनका शिष्य अमीर खुसरो, बहुत प्रिय गुरु रहा इनका अमीर खुसरो। ऐसा बताया जाता है कि जब निज़ामुद्दीन औलिया का निधन हुआ तो अमीर खुसरो ने अपने प्राण त्याग दिए, है ना। कभी हम निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, मैं गया हूँ पर्सनली, अगर कभी आपका जाना हो तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से कोई व्यक्ति एंट्री ले रहा है, तो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह यहाँ पे है। एंट्री लेते ही ये मान लो पूरा प्रमाइसेस है दरगाह का, और यहाँ पे अमीर खुसरो की दरगाह है। तो होता क्या है कि व्यक्ति डायरेक्ट यहाँ आता है और फिर यहाँ से निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में मत्था रख के जो भी वापस चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से, यानी शिष्य को यहाँ पे सर्वोपरि बताया गया है, ठीक है। तो इसमें मेंशन करेंगे निज़ामुद्दीन औलिया, इनका केंद्र क्या रहा दिल्ली, ठीक है। इनकी दरगाह कहाँ है? इनकी दरगाह भी दिल्ली ही है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। और इन्हीं के नाम से रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन इन्हीं के नाम से है। सूफी संत है, चिश्ती संप्रदाय के हैं। इनका एक बार विवाद हो गया, आपको ध्यान रखना है, गयासुद्दीन तुगलक से।
गयासुद्दीन तुगलक। विवाद क्यों हुआ समझ पाए जरा, कि भाई सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक के नाम से ये आता है और गयासुद्दीन तुगलक नाम से शासन करता है, और इसको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि यार मैं सुल्तान हूँ, मेरे उतने फॉलोवर नहीं है, मेरे को मेरी उतनी प्रजा नहीं जितनी प्रजा इनकी है, इनके फॉलोवर ज़्यादा है। तो बंगाल का वो विजय अभियान जब गयासुद्दीन तुगलक निकलता है और एक फरमान एक संदेश भिजवाता है इनके पास कि जब तक मैं दिल्ली आऊँ दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली में आप रहने नहीं चाहिए। तो इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कथन इस विवाद के उपरांत एक महत्वपूर्ण कथन इनका कि हनोज दिल्ली दूरस्थ, नाम सुने हैं ये कथन सुने हैं, हनोज दिल्ली दूरस्थ। ये किसका स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है कि दिल्ली अभी दूर है, तुम आओ तो सही पहले दिल्ली, देखेंगे कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा, दिल्ली अभी दूर है, हनोज दिल्ली दूरस्थ, किसका कथन है, निजामुद्दीन औलिया। और फाइनली वही हुआ, गयासुद्दीन तुगलक वापस आता है और दिल्ली की सीमा पर आराम कर रहा होता है और मंडप इसके ऊपर गिरता है, वहीं दबके मर जाता है। तो दिल्ली हमेशा के लिए दूर हो गई। तो ये विवाद, ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखना है इनके संदर्भ में। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इनके नाम पे रेलवे स्टेशन है, और इनका शिष्य, इनका जो महत्वपूर्ण शिष्य, देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कई सुल्तान आए है ना, निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने या निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के सात सुल्तानों का शासनकाल देखा। ये काउंटिंग याद रखना है, सात सुल्तानों का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में देखे निजामुद्दीन औलिया। और इनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो, एक मिनट रुकिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हेडलाइन दीजिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, तो यहाँ से आपको पता लगता है कि अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय से है। इनके गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के छह सुल्तानों का कई बुक में 7 मिलता है, परीक्षा में मिलेगा तो 6 ही लगाइएगा क्योंकि 6 पे नंबर है, 6 ही देखते हैं, 7 तो इनके गुरु देखते हैं है ना। तो 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा और इन्हीं को कहा गया, अमीर खुसरो को ही कहा गया भारत का तोता, इन्हीं को कहा गया तूती ए हिंद, इन्हीं को कहा गया है भारत का तोता है ना। शुरुआत में अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हैं। तो अमीर खुसरो के संदर्भ में ये पॉइंट ध्यान रखें, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो इस तरीके से कई क्रम देखने को मिलता है। अब सबके नाम तो नहीं जानने, लेकिन चिश्ती संप्रदाय में, चिश्ती सिलसिले में सबसे अंतिम सूफी संत जो देखने को मिलते हैं उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, नाम ध्यान रखना है। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि चिश्ती सिलसिले के अंतिम सूफी संत है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम
शेख सलीम चिश्ती चिश्ती सिलसिले के अंतिम सूफी संत हैं शेख सलीम चिश्ती, और अकबर इन्हीं से प्रभावित है। अकबर इनसे प्रभावित था और अपने पुत्र का नाम इन्हीं के नाम पे रखा। ऐसा बताते हैं इन्हीं के आशीर्वाद से उनको इस पुत्र की प्राप्ति हुई। और अकबर अपने पुत्र का नाम इन्हीं के नाम पर रखता है सलीम, याद आ रहा है? जहांगीर जो बना आगे चल के जहांगीर, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। तो अकबर इनसे प्रभावित है शेख सलीम चिश्ती, और इनकी दरगाह आपसे पूछी जा सकती है। इनका केंद्र रहा वैसे फतेहपुर सीकरी, है ना? इनका केंद्र क्या था? इनका केंद्र है फतेहपुर सीकरी। नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, फतेहपुर सीकरी। चिश्ती संप्रदाय के अंतिम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ले लिए हैं? हाँ जी। और नेक्स्ट हेडलाइन दीजिएगा, सुहरावर्दी सिलसिला जिसके संस्थापक हैं शेख बहाउद्दीन जगारिया। इनके बारे में क्या आपको ध्यान रखना है, उनके बारे में समझते हैं। हेडलाइन दीजिए कि सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला शेख बहाउद्दीन जकारिया इसके संस्थापक कौन है? शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है जी। आपने सुना होगा अस्सलाम वालेकुम, तो जो इस संप्रदाय को मानते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि सभी मुस्लिम लोग अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन जो मेन जो शुरुआत की जा रही है वो इस संप्रदाय के द्वारा सामने निकल के आती है, ठीक है जी। शेख बहाउद्दीन जकारिया इसके संस्थापक हैं, लेकिन केंद्र कहाँ बनाते हैं? मुल्तान, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। इनका केंद्र है मुल्तान, कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे कि इसी संप्रदाय के लोग, यानी सुहरावर्दी सिलसिले, इसी सिलसिले के लोग अस्सलाम वालेकुम का प्रयोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम का प्रयोग करते हैं सुहरावर्दी सिलसिले के लोग, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है जी। यहाँ पे एक उपाधि की जानकारी मिलती है, चर्चा मिलती है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़े थे, जो कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। इल्तुतमिश इनको एक उपाधि देता है शेख उल इस्लाम की, मतलब इस्लाम में प्रमुख, इनको उपाधि दी गई है शेख उल इस्लाम। इल्तुतमिश इनको उपाधि देता है, मेंशन करेंगे इल्तुतमिश द्वारा इनको उपाधि दी गई शेख उल इस्लाम। क्या है? शेख उल इस्लाम, मतलब इस्लाम में प्रमुख, ठीक है जी, इस्लाम में प्रमुख। ये नाम यहाँ पे ध्यान रखना है कि उपाधि शेख उल इस्लाम कौन दे रहा है? इल्तुतमिश, सुहरावर्दी सिलसिला, इसमें इतने पॉइंट जरूर ध्यान रखें। अगला लिखिए कादरी सिलसिला। अगला हेडलाइन दीजिए कादरी सिलसिला, और इसमें मेंशन करें संस्थापक कौन है? अब्दुल कादिर मिलानी, है ना, मध्य एशिया बगदाद में ये केंद्र बनाते हैं। अब्दुल कादिर मिलानी इसके संस्थापक हैं अब्दुल कादिर मिलानी। केंद्र कहाँ है? बगदाद। केंद्र कहाँ बनाते हैं? बगदाद। इनके बारे में ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें, कौन संस्थापक हैं, कहाँ बना रहे हैं? भारत में तो नहीं रहा इनका मामला, है ना, पाकिस्तान में भी है, तो आपने देखा सुहरावर्दी सिलसिला,
उनके संदर्भ में एक दो पॉइंट बन सकता है पूछने को, उसको याद रखें। अगला लिखिए नक्शबंदी सिलसिला। अगला हेडलाइन दीजिएगा नक्शबंदी सिलसिला। ख्वाजा वकीबुल्ला संस्थापक है, कौन है? ख्वाजा वकीबुल्ला इसके संस्थापक। और केंद्र बिंदु की अगर बात करें तो उसके बारे में जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ संस्थापक ही हैं। लेकिन इसके जो इनके शिष्य हैं उनके बारे में काफ़ी उल्लेख मिलता है, वो आपको जरूर ध्यान रखना है। लिखेंगे इनके शिष्य शेख अहमद सरहिंदी, ख्वाजा वकीबुल्ला के शिष्य हैं, ख्वाजा वकीबुल्ला के शिष्य लिखें शेख अहमद सरहिंदी। क्या नाम है? शेख अहमद सरहिंदी। इनके बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। और ये भी पता लगता है कि ये सिलसिला जो है संगीत का विरोध करता है, अभी तक तो सब चाहते हैं कि भैया संगीत से हम लोग ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ये सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला संगीत का विरोध करता है। और इसका अनुयायी औरंगजेब, इसका अनुयायी कौन है जिसके बारे में चर्चा मिलती है? इसका अनुयायी है औरंगजेब। क्लियर है जी यहाँ तक? इसका सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध अनुयायी रहा औरंगजेब, इसके शॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में दक्षिण भारत का क्षेत्र और उत्तर भारत का क्षेत्र, यहाँ दोनों जगह भक्ति आंदोलन की शुरुआत देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में कौन कर रहे हैं, दक्षिण भारत में कौन कर रहे हैं, ये आपको पता हो। और इसी के संदर्भ में कुछ सिद्धांत कुछ संप्रदाय भक्ति आंदोलन के संदर्भ में भी सामने आते हैं। अगला हेडलाइन दीजिए भक्ति आंदोलन। देखिए ऐसा बताते हैं कि भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, ये सारा मामला सामने आया। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत होती है और ऐसे करते करते उत्तर भारत तक ये पहुंच जाता है। वहीं पे दक्षिण भारत में इसको द्रविड़ भक्ति के नाम से भी जाना जाता है, यानी भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में द्रविड़ भक्ति के नाम से जाना जाता है। इसको इस नाम से यहाँ पे जान रहे हैं, है ना? द्रविड़ भक्ति, इसमें दो देवताओं के बारे में चर्चा मिलती है, एक है अलवार और नैनार, है ना? इसमें दो लेख मिलता है अलवार और नैनार। द्रविड़ भक्ति में दो लेख मिलता है अलवार और नैनार। अलवार जो हैं वो विष्णु के उपासक हैं और जो नैनार हैं वो शिव के उपासक हैं। तो यहीं पे एक प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन संतों के द्वारा किया गया? तो अलवार और नैनार, याद रहेगा, नोट कर लेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, एक पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार और नैनार ये कौन है? अब आप समझ गए हैं, नैनार संतों द्वारा किया गया। ठीक है जी, एक भारत का मैप देखें जरा, यहाँ पे एक भारत का मैप, रफली मैप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ ये दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत, ये वाला हिस्सा जो है दक्षिण भारत में, है ना? तो दक्षिण भारत में जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं उनका नाम आपको पता हो,
ध्यान रखना है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। ठीक है, यानी अगर पूरे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक की बात की जाएगी तो रामानुजाचार्य लगाएंगे आप। अगर इसके प्रतिपादक के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या लगाएंगे? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ध्यान रहे। लेकिन वहीं इसी तरफ अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में इसके संस्थापक कौन है, तो शंकराचार्य। ठीक है जी, दक्षिण भारत में इसके प्रतिपादक, इसके संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आ रहे हैं रामानंद। अगर मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, है ना, उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में कौन है? उत्तर भारत में है रामानंद। उत्तर भारत में लेके आ रहे हैं रामानंद। ठीक है जी, यहां पे ध्यान रहे, उत्तर भारत में रामानंद उत्तर भारत में लेके आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें पंजाब, है ना, पंजाब संप्रदाय में गुरु नानक देव इसको आगे बढ़ाते हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के अंतर्गत है ना, तो गुरु नानक देव पंजाब रीजन। उत्तर भारत में तो ये है, लेकिन अगर पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब, तो पंजाब में इसको कौन लेके आगे चल रहे हैं? गुरु नानक देव पंजाब में। क्लियर है जी, ये मोटे मोटे पॉइंट है, याद रखने हैं। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र में है संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में है संत ज्ञानेश्वर। क्लियर है तक की पिक्चर? संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में। और असम में शंकर देव का नाम देखने को मिलता है। असम में है शंकर देव। तो ये एक खाका जो आपके सामने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है जी, हाँ जी, शंकराचार्य नोट कर लिया है। अब अगला हेडिंग दीजिएगा कि भक्ति आंदोलन के अंतर्गत दिए गए सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत रहे, ये आपके सामने प्रश्न रहता है। कई बार मिलान करो, कई बार बोलता है ये संप्रदाय किसने दिया है, ये सिद्धांत किसने दिया है, इसके बारे में बताइए। ठीक है जी, तो मैं एक एक करके नाम लिख रहा हूँ, इनको मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न मिलना है। ठीक है, तैयार रहें। जैसे पहला नाम आपने देखा शंकराचार्य, दक्षिण भारत में स्थापित कर रहे हैं, और ये जो सिद्धांत लेके आते हैं वो है अद्वैतवाद। क्या है? शंकराचार्य जो सिद्धांत लेके आ रहे हैं वो है अद्वैतवाद। दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे रामानुजाचार्य ये बताते हैं विशिष्ट द्वैतवाद, है ना। रामानुजाचार्य और ये सिद्धांत देते हैं विशिष्ट द्वैतवाद, इसका सिद्धांत देते हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, फिर अगले आते हैं माधवाचार्य, ये बताते हैं द्वैतवाद, ये सिद्धांत दे रहे हैं द्वैतवाद माधवाचार्य और ये सिद्धांत देते हैं द्वैतवाद। अभी बात करते हैं क्या, पहले नोट कर लीजिएगा सारे नाम, माधवाचार्य, द्वैतवाद। ठीक है जी, द्वैतवाद। वहीं पे बात करें निंबकाचार्य, ये बताते हैं द्वैतवाद। अगला है निंबकाचार्य, इन्होंने सिद्धांत दिया द्वैतवाद। ठीक है, पांचवा लिखेंगे वल्लभाचार्य, ये बताते हैं शुद्ध द्वैतवाद। वल्लभाचार्य, इन्होंने दिया शुद्ध द्वैतवाद। सिद्धांत कौन दे रहा है, इसके जनक कौन है? वल्लभाचार्य। और अंतिम नाम नोट करेंगे शंकरदेव, इन्होंने बताया एकेश्वरवाद, है ना। शंकरदेव है ना, जो असम में भी आप लोग देखे थे, शंकरदेव ये देते हैं एकेश्वरवाद, है ना, ये देते हैं। ये बेसिकली हैं क्या, सबके द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं।
कोई बोल रहा है ईश्वर है वही ब्रह्मा है, कोई बोला नहीं मनुष्य ही ब्रह्मा है, मनुष्य ही ईश्वर है, उसके अंतर्गत जो आत्मा है वही सारे काम करवा रही है। फिर अगले व्यक्ति बोलते हैं नहीं सभी शक्तियाँ अलग अलग हैं, अलग कोई है मनुष्य के द्वारा काम कोई और करवा रहा है। तो ये सबके अपने अपने मत हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न क्या बनता है, सिंपल सा प्रश्न कि द्वैतवाद के जनक कौन है, तो याद रहे माध्वाचार्य है ना। द्वैतवाद के जनक कौन है, निम्बकाचार्य, ठीक है जी निम्बकाचार्य। अब एक तरफ ये भी दे सकता है कि आप कोई चार नाम इधर दे दे और इनको आगे पीछे लिख दे, भैया मिलान करो, क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आपका पूरा कार्यक्रम भक्ति और सूफी आंदोलन का, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और टारगेट रहे कि इस बार इस 60 डेज के फॉर्मेट में आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपनी परीक्षा को क्रैक करें, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।